कहते हैं छात्रों का भविष्य बनाने के पीछे एक शिक्षक का महत्वपूर्ण हाथ होता है, लेकिन जब दो शिक्षक आपस में ही लड़ने लगे तो बच्चों के कोमल हृदय पर क्या असर पड़ेगा। ऐसा ही एक मामला मध्य प्रदेश के सागर जिले से सामने आया है, जहां एक सरकारी स्कूल में प्रभारी प्राचार्य और शिक्षिका के बीच लेक्चर को लेकर झगड़ा हो गया। झगड़ा इतना बढ़ गया कि नौबत गाली गलौज और मारपीट तक आ गई। स्कूल परिसर में स्टूडेंट्स के सामने ही मैडम सर का हाई वोल्टेज ड्रामा चलता रहा। बच्चों ने भी दोनों को समझाने की लाख कोशिश की, लेकिन गुस्से में लाल पीले हुए ये टीचर्स किसी की बात सुनने को राजी नहीं दिख रहे हैं। वायरल वीडियो में साफ देखा जा सकता है कि किस तरह शिक्षिका प्रभारी प्राचार्य पर चप्पल बरसा रही है। महिला शिक्षिका विनीता धुर्वे ने आरोप लगाया है कि प्राचार्य ने उन्हें पहले गाली दी थी और क्लास में जबरदस्ती घुसाया था और दोनों हाथ पकड़कर जमीन पर गिरा दिया, जिसके बाद आत्मरक्षा में उन्होंने जूते चप्पल चलाए। कि मैं कल मेरी तबीयत ठीक नहीं थी, उल्टी दस्त होने के कारण मैं थोड़ा स्कूल में विलम्ब से आई हूँ, 12 बजे आई हूँ स्पष्ट है मेरा, और विलम्ब से आने के कारण मैं दवाई ववाई लेके आई और मैं थोड़ा जाके ऑफिस में TR दादा थे, प्राथमिक शिक्षक है वो TR दादा, तो मैं उनसे जाके बोली कि भाई आप इधर बैठे हो, आपने पीरियड क्यों नहीं लिया है, पीरियड में क्यों नहीं जा रहे हो। तो जो हरगोविंद जाटव थे व्याख्याता, भूगोल के व्याख्याता हैं, तो वो बाजू में 12वीं क्लास 8 लगती है, तो भूगोल का पीरियड चल रहा था, तो वहाँ से ये उंगली दिखा के मेरे से बोलते हैं कि तुम बात नहीं कर सकती है उससे, TR दादा से। तो ऐसे ऐसे विवाद होता गया, बढ़ गया विवाद। वहीं प्रभारी प्राचार्य हरगोविंद जाटव का कहना है कि मेरा पीरियड था लेकिन मैं कुछ काम से बाहर निकल गया था, लेकिन मैडम को गलतफहमी हुई जिसके बाद ये विवाद शुरू हुआ। अपने पीरियड मेरा, हमारा कालखंड था 11:40 के बाद मेरा कालखंड पड़ता है और मैं नियमित रूप से जब यहाँ आता हूँ तो अपने पीरियड में जाता हूँ, बच्चों को पढ़ा रहा था। इतने में ये व्यक्ति अपने बच्ची का फोटो सर्टिफाई कराने आया और मैं सर्टिफाई करने के बाद बाहर निकला। इतने मैडम आई तो इन्हें जैसे सोची कि जी हमारे पीरियड में जबरदस्ती गई, जबकि इनका पीरियड ही नहीं था, हमारा पीरियड ही था, मैं पढ़ा रहा था, मैं सर्टिफाई करके और फिर पढ़ाने लगा। बता दें कि मामले की जांच करने पहुंचे जिला शिक्षा अधिकारी अखिलेश पाठक ने बताया कि जांच में जो भी व्यक्ति दोषी पाया जाएगा उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। ये जो मूवमेंट हुआ है और इसकी जांच करने के लिए हम यहां पर आए हुए हैं और इसमें सभी के बयान लेके और जो भी दोषी होगा उसके खिलाफ निश्चित तौर पर शीघ्र आवश्यक कार्रवाई की जाएगी। ऐसे टीचरों के खिलाफ तुरंत कार्रवाई करने की जरूरत है, जिससे दूसरे टीचरों को सबक मिले। जब टीचर ही इस तरह से लड़ाई झगड़ा करेंगे तो बच्चों के भविष्य का क्या होगा। ब्यूरो रिपोर्ट TNP न्यूज़।